बिग बॉस 16 से फेम में आई प्रियंका चाहर चौधरी पर एक मुसीबत आ गई है। फेमस डिजाइनर इशिता ने दावा किया है कि एक्ट्रेस ने न सिर्फ उनका स्टाइल कॉपी किया है बल्कि उनके कपड़े भी चुराए हैं। डिजाइनर ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को लेकर एक के बाद एक कई सारे पोस्ट। प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 की बेहद ही पॉपुलर कंटेस्टेंट थी। उन्होंने अपने दमदार पर्सनैलिटी के चलते लाखों लोगों को अपना फैन बना दिया था। लगभग हर दूसरे शख्स को यकीन हो गया था कि 100 की ट्रॉफी वो ही लेकर जाएंगी, लेकिन रैपर एमसी स्टैन ने जीत हासिल कर ली। हालांकि 100 से बाहर निकलने के बाद से ही एक्ट्रेस काफी चर्चा में है। आए दिन उन्हें किसी न किसी शो या इवेंट में देखा जा चुका है। एक्ट्रेस को एक के बाद एक कई सारे काम मिल रहे हैं और वे इन दिनों काफी बिजी नजर आ रही हैं। इन सब के बीच उनको लेकर एक खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि उन पर एक केस भी फाइल हो सकता है। फेमस डिजाइनर इशिता ने दावा किया है कि प्रियंका ने उनके ब्रांडेड कपड़े चुराए और उनका स्टाइल भी कॉपी किया। प्रियंका चाहर चौधरी ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टा हैंडल पर बेज कलर का रफल लहंगा पहने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इसके बाद इशिता ने दावा किया था कि ये उनके ब्रांड के कपड़े हैं जिसे उन्होंने एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया था। इसके बाद एक के बाद एक कई ट्वीट कर इशिता ने प्रियंका चाहर पर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए एक ट्वीट में कहा, एक साइकोटिक पीआर टीम के साथ ऑब्सेस्ड लेडी जो दूसरों को हैरेस करना बंद नहीं कर सकती है। यह टॉक्सिक की डेफिनेशन है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फेक पर्सनैलिटी बनाई। हालांकि यह कमेंट डिलीट हो चुका है। इशिता ने आगे कहा, वह सोचती हैं कि मेरे तरह दिखने की कोशिश करके या फिर मेरे क्लोन की तरह कपड़े पहनकर वह उस तरह की बन सकती हैं जैसी मैं हूँ। हाँ, शायद 1 अरब पुनर्जन्म के बाद मेरे 30,000 पाउंड के कपड़े चुरा लिए, मैंने कुछ नहीं कहा। एक के बाद एक इशिता ने कई सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। एक और ट्वीट में इशिता ने लिखा, वैसे मांग लेती तो मैं दे ही देती, लेकिन पीआर करने का सही तरीका नहीं था। मुझे ऐसे अनाड़ियों के साथ जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।